हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बच्चों हमें डिस्कस करना है अपना नया टॉपिक जिसका नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर। देखो बच्चे, शिफ्ट इन डिमांड कर, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी मूवमेंट इन डिमांड कर या मूवमेंट इन डिमांड। आज हमें बात करनी है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे दो पॉइंट के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट हमारा होगा फॉरवर्ड शिफ्टिंग, दूसरा होगा बैकवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। कहता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व इंक्लूड फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप सभी को याद होगा मूवमेंट की हम लोगों ने बात की थी कि जहां पर खुद के प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड पे जो असर पड़ता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइस तो खुद का प्राइस रहेगा सेम, खुद के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। जो अदर फैक्टर्स है ना, अदर डिटरमिनेंट्स हैं, उनमें चेंज होने के कारण डिमांड पे कैसा असर पड़ता है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व या फिर इंक्रीज इन डिमांड। कहता है इट इज अ सिचुएशन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, कि खुद का प्राइस कैसा कमोडिटी का कांस्टेंट है, एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, कि खुद का प्राइस कांस्टेंट होने के कारण कमोडिटी की डिमांड क्या कर जाए बच्चे, इंक्रीज कर जाए। इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर एंड अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि अदर फैक्टर के कारण डिमांड चेंज करे और खुद का प्राइस क्या रहे यहाँ पर, सेम रहे, ठीक है। हमें मेनली इस पॉइंट के आसपास बात करनी है कि भाई खुद का प्राइस तो कमोडिटी का सेम है, ठीक है। प्राइस ना तो अप हुआ ना डाउन हुआ, प्राइस कल भी वही था आज भी वही है, लेकिन कमोडिटी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, वही हमें यहाँ पर बात करनी है। और इस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं कि खुद का प्राइस सेम होने के कारण डिमांड इंक्रीज कर जाती है, ऐसा कौन सा रीजन है भाई कि डिमांड कैसे इंक्रीज करगी, प्राइस तो सेम है, प्राइस में कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड वहां पर इंक्रीज कर रही है, इसलिए हमें बात करनी है यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड की। आओ एक शेड्यूल है, शेड्यूल की हेल्प से उसको समझते हैं। देखो बच्चे, हमारे पास कुछ प्राइस है और डिमांड है, ठीक है। प्राइस 20 है और डिमांड कितनी है, हमारे पहले पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हमारे पास डिमांड है 100 यूनिट्स की, ठीक है। प्राइस फिर से सेम रहा, प्राइस पहले भी 20 और अब भी 20 है, लेकिन डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज। यही टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यही सिचुएशन हमारे सामने है कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। देखो आप सभी देख रहे हैं ना शेड्यूल में, प्राइस में जीरो चेंज है, पहले भी प्राइस 20 है, अब भी प्राइस 20 है और डिमांड इंक्रीज कर चुकी है। इसको समझते हैं हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। जो हमारा पॉइंट है बी, आप ए पॉइंट देखना पहले बच्चे, वो हमारा एक्चुअल डिमांड कर था, ठीक है। जो पहले पॉसिबल कॉम्बिनेशन था ना 20-100 का, वो एक्चुअल कॉम्बिनेशन था, लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। आप प्राइस लाइन को देखना, प्राइस कांस्टेंट है, पॉइंट ए से शिफ्ट करके कहां बन गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट D1, जो हमारा बना है वो पॉइंट बी पे। कारण क्या, प्राइस तो कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट लाइन देख लेना, स्ट्रेट लाइन है बच्चे ये, ठीक है, प्राइस वाली 20 वाली, लेकिन पॉइंट हमारा नेक्स्ट कहां शिफ्ट कर गया, बी पे, ठीक है। ये यहां से समझ लेना है इसको आप, ठीक है। अगले टॉपिक में बात करते हैं। अब कुछ कारण है बच्चे कि कौन से कारण है कि प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद भी डिमांड इंक्रीज कर जाती है भाई, ठीक है। वो पहला कारण है हमारे पास इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो उसका सब्स्टिट्यूट है ना, जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है उसका, ठीक है, जैसे हमाम साबुन का दूसरा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या भाई, लाइफ बॉय है, मैगी का नूडल्स है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सके, उसके प्राइस में इंक्रीज हो जाना। अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसकी डिमांड, अब मान लो कोई आप दो साबुन इस्तेमाल करते हैं, हमाम और लाइफ बॉय का प्राइस सेम है, डिमांड इंक्रीज करके कारण लाइफ बॉय जो दूसरा कंपटीटर है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी और उसके जो पर्सन है वो कहाँ शिफ्ट करके, दूसरे वाले साबुन पे, ठीक है। फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज कर जाए, राइज कंज्यूमर की इनकम राइज कर जाए, उसका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाए, भविष्य में कोई हो के भी प्राइस राइज कर जाए, पॉपुलेशन चेंज हो जाए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चेंज हो जाए, ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के इसमें कुछ चेंज आ जाए, ये कुछ कारण बनते हैं इंक्रीज इन डिमांड के, या डिमांड के बढ़ने के प्राइस जब कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि बैकवर्ड शिफ्ट की। अब कौन सी सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर जो डिमांड है वो क्या हो जाए, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाए, या फिर उसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे कि डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। कहता है इट इज अ सिचुएशन व्हेन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट एंड डिमांड
ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, ये वो सिचुएशन है जहां पर प्राइस कमोडिटी के खुद के क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डिमांड क्या कर जाती है बच्चे, वो डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, फिर से वही कारण कि डिमांड में क्यों चेंज आया बच्चे, अदर फैक्टर के चेंज होने के कारण, अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी के खुद के प्राइस के अलावा। एक शेड्यूल है उसको देखें आप, प्राइस फिर से वही सेम है। पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जब प्राइस 20 था तो डिमांड कितनी बच्चे 100 है, ठीक है। आगे अगला पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जब प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पहले भी 20 है, अब भी कितना है वो 20 है, लेकिन डिमांड 100 से गिर के कहां पे आ चुकी है वो 70 पे। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड में चेंज हो चुका है, डिमांड कम हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, वो बैकवर्ड शिफ्ट कर चुकी है। आप लोग यहां से समझेंगे सिर्फ डिक्रीज को, ठीक है। बैकवर्ड शिफ्ट को हम लोग समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। देखो डायग्राम आप, अब पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन बच्चे, जब प्राइस है 20, डिमांड कितनी है 100, हमारा जो हमारी डी कर्व है बच्चे, डिमांड कर्व, वो पॉइंट कहाँ बन रहा है इक्विलिब्रियम का, वो बन रहा है हमारा ए पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन अगला पॉसिबल कॉम्बिनेशन, प्राइस क्या है 20, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, डिमांड 100 से गिर के कहाँ पे आ चुकी है 70 पे, तो हमारा पॉइंट कहाँ बनेगा वो बी पे, तो वो अपना एक्चुअल पॉइंट से शिफ्ट करके कहाँ ही है, बैकवर्ड शिफ्ट करिए ना, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। इसके भी पीछे कुछ कारण बनते हैं बच्चे, कारण क्या क्या है, जो कारण इंक्रीज इन डिमांड में बने थे, रीजंस बने थे, उसके जस्ट अपोजिट रीजन यहां बन जाएंगे। वो रीजन पहला, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कोई कमी आ जाए, राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस राइज कर जाए, डिक्रीज इन इनकम, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाए, एक्सपेक्टेशन भविष्य में प्राइस कम होने की संभावना हो, पॉपुलेशन चेंज हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चेंज हो जाए, ये कुछ कारण बनते हैं बच्चे, ठीक है। आशा करता हूँ कि भी आप सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को अच्छे से समझते होंगे कि ये कौन सी गुड्स होती हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना आप लोग कि इनमें कुछ भी चेंज होता है तो डिमांड पर नेगेटिव और पॉजिटिव असर हमेशा पड़ता है, ठीक है। और यही असर हम लोगों ने इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में समझा है। अब लोग हम देखते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ठीक है। जो हम लोगों ने दो पॉइंट की बात की है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, उसको यहां पर सीख लेते हैं कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट, कि एक दूसरी वस्तुओं का दूसरी गुड्स पे कैसा असर पड़ता है। कहता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड द क्रॉस प्राइस इफेक्ट, कि जब एक दूसरे की डिमांड, एक दूसरे की गुड्स की डिमांड होती है, उसका असर दूसरी गुड्स पे पड़े। वो दो टाइप की हमारे पास रिलेटेड गुड्स होती है, आप सभी को पता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स क्या, जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सके। कॉम्प्लीमेंट्री क्या, जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं। जैसे आप सिर्फ पेन को, पेन के साथ इंक, ठीक है, ब्रेड के साथ बटर, कार के साथ पेट्रोल, अकेले पेट्रोल को नहीं चला सकते, अकेले कार को नहीं चला सकते, दोनों को साथ लेना पड़ेगा। अकेले पेन को नहीं चला सकते, साथ में इंक लेना पड़ेगा। अकेले इंक भी नहीं चला सकते, अकेले ब्रेड भी नहीं खा सकते, साथ में बटर लेना पड़ेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। इनमें रीजन है बच्चे, जब एक के प्राइस कम हो जाए तो असर क्या पड़ता है, ठीक है, एक के प्राइस इंक्रीज कर जाए तो असर क्या पड़ता है, ठीक है। ये हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में सीखा है। पहला आप डायग्राम देख लेना, जब जो डिक्रीज हो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है और दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप पूरा पॉइंट समझ लेना। वैसे ये डायग्राम हम लोग पहले भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्टिंग में इसको समझ चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी ऐसा ही होगा बच्चे, अगर एक के प्राइस बढ़ते हैं तो असर कहाँ पड़ेगा उसका, दूसरे की डिमांड पे पड़ेगा, ठीक है, वो जस्ट सेम होगा वहां पर, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब जो डिमांड है कंज्यूमर की और कंज्यूमर की इनकम है, उनके बीच में भी रिश्ता है बच्चे। अब वो कैसा कैसा रिलेशनशिप है वो आप लोग समझना। कहता है पहले नॉर्मल गुड्स, अगर आप सभी को पता है गुड्स दो टाइप की होती हैं, एक तो नॉर्मल गुड्स और दूसरी इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स को हम लोग सुपीरियर गुड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स। और इन्फीरियर गुड्स तो आप सभी जानते हैं, जो घटिया क्वालिटी के गुड्स, या फिर इनको हम कहें लो क्वालिटी गुड्स। कहता है मोस्ट ऑफ द कमोडिटी दैट वी आर यूजली बाय द नॉर्मल सुपीरियर गुड्स एज जनरल प्रैक्टिस कंज्यूमर बाय मोर ऑफ सच गुड्स। कहता है अगर नॉर्मल गुड्स के प्राइस राइज कर जाते हैं
नॉर्मल गुड्स के प्राइस राइज कर जाएंगे तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी इनकम राइज कर जाएगी तो उनकी डिमांड को इंक्रीज कर देगा नॉर्मल गुड्स की वो, ठीक है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम राइज करती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम राइज करने के कारण वो इन्फीरियर गुड्स से शिफ्ट करके कहाँ चला जाएगा, वो नॉर्मल गुड्स पे चला जाएगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चे। अगले टॉपिक में वो बात करता है इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अगर कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंस वो चेंज कर जाता है तो कैसा असर पड़ता है, कहता है देखो वो टेस्ट प्रेफरेंस बच्चे तीन टाइप के होते हैं। एक तो सबकी लोग इंडिविजुअल के लाइक्स क्या है, उसकी डिसलाइक्स क्या है, मतलब उसकी पसंद क्या है नापसंद क्या है। मुझे तो भाई अगर मैं अपनी बात करता हूँ या किसी की बात करता हूँ, आपको खाने में कुछ और पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है, जो मुझे पसंद है मैं उसको ज़्यादा मात्रा में खरीदूंगा, उसकी ज़्यादा डिमांड करूंगा, जो आपको पसंद है आप उसकी डिमांड करेंगे, ठीक है। तो मतलब किसी भी कमोडिटी की डिमांड लाइक्स और डिसलाइक्स पर डिपेंड करती है। अगला ट्रेंड एंड फैशन। अब आप एक चीज़ समझना बच्चे, अगर आप फैशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, ट्रेंड से इफेक्ट होते हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को खरीदेंगे जो आजकल ट्रेंडिंग में है, ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है उन चीज़ों का, ठीक है। तो आप मतलब ट्रेंड के कारण भी किसी कमोडिटी की डिमांड पर असर पड़ता है। अगर कोई चीज़ आप लोग कहते हैं ना कि ये तो फैशन पुराना हो चुका है, इसको यूज़ नहीं करेंगे, पुराना फैशन हो चुका है, या फिर नया फैशन है, नया फैशन तो डिमांड इंक्रीज होगी, पुराना फैशन तो डिमांड कम होगी। और एक क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट भी है, आप लोग देखना आप गर्मियों में कोल्ड चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें, और सर्दियों में गर्म चीज़ें, कॉफ़ी, चाय, इन चीज़ों की कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है उस कमोडिटी के डिमांड पे असर पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन भी असर डालती है बच्चे, ठीक है। ये था हमारा आज का चैप्टर, और ये लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक आज का समझ में आया होगा और ये चैप्टर भी पूरा क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।